दोस्तों जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ पर हम बहुत सारी नई नई तरह की मिथ्स देखने के लिए मिलती है, और इन मिथ्स में से कुछ ऐसे मिथ्स भी होती है जिनको हम आज तक फॉलो करते हैं और इनका हमें सॉल्यूशन नहीं पता और हमको लगता है ये मिथ्स ट्रू है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बहुत सारी ऐसी भी मिथ्स है जिनके बारे में आपको नहीं पता है और आप उनको फॉलो करते हैं तो अभी कभी करना छोड़ दीजिए। तो दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी मिथ्स के बारे में बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी टेक मिथ्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनको आप फॉलो करते हैं और उनको आपको फॉलो नहीं करना चाहिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि मलगवा, आप देख रहे टेक्नोलॉजी अब, सो लेट्स बिगिन। दोस्तों सबसे पहले मिथ की बात करें तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनके मोबाइल के अंदर जो सेलुलर नेटवर्क्स के जो बार्स आते हैं वो जितने ज़्यादा होंगे मतलब उनका नेटवर्क इतना अच्छा है। लेकिन दोस्तों ऐसा पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होता है। जो हमारे मोबाइल के अंदर हमें सेलुलर बार्स देखने के मिलते हैं वो सब ये बताता है कि आपके जो नेटवर्क प्रोवाइडर का जो टावर है वो आपके से कितना दूर है। तो दोस्तों ये इतना डिपेंड नहीं करता है कि आपके कितने ज़्यादा टावर है, आपका अगर एक टावर भी है तो आपका अच्छा सा मोबाइल चलेगा और अगर आपके चार टावर भी है तो मोबाइल अच्छे से चलेगा। दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है कि हमारे पास अगर कम टावर है तो हमारा नेट धीरे चलेगा या फिर हमारे पास ज्यादा टावर है तो हमारा नेट अच्छा चलेगा। ये सिर्फ डिपेंड करता है कि हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर का जो टावर है वो हमसे कितना दूर है। दोस्तों अगर हम अगले मिथ के बारे में बात करें तो दोस्तों ये मैंने बहुत ज़्यादा लोगों के सुनते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा लोग इसी चीज़ के बारे में बोलते हैं कि अगर हम अपना मोबाइल रात भर चार्जिंग पर लगाएंगे तो उसकी बैटरी हार्म होगी, हमारे मोबाइल को भी वहाँ पर हार्म होगा। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से गलत है, ऐसा नहीं होता है। दोस्तों जो हमारे मोबाइल की जो बैटरी है, जो हमारा मोबाइल है वो हमसे ज़्यादा स्मार्टर है, उसको पता है कि कब हमें अपनी चार्जिंग रोकनी है। जब वो फुल चार्ज हो जाता है तो खुद ही अपना जो चार्जिंग होता है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है, ओवर चार्ज होने से बच जाता है। दोस्तों पहले के मोबाइल में हम ये सब देखने के लिए मिलता था, अगर हम ओवरनाइट रख देंगे तो वहाँ बैटरी हमें फूलती हुई दिख जाती थी। लेकिन दोस्तों आजकल के मोबाइल में ऐसी नई टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जिसके अंदर जो हमारी चार्जिंग है जैसे ही ख़त्म होती है तो वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर देता है। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको मैंने सबसे ज़्यादा लोगों से सुनते हुए देखा है। दोस्तों अगर हम अगले मिथ के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो इनकॉग्निटो मोड होता है ब्राउज़र के अंदर, जो प्राइवेट मोड होता है ब्राउज़र के अंदर, उसके ऊपर अगर हम जाके सर्फिंग करते हैं तो हम बहुत पूरी तरीके से एनोनमस हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से वाली मिथ गलत है, क्योंकि दोस्तों जो इनकॉग्निटो मोड होता है और जो प्राइवेट मोड होता है वो सिर्फ आपकी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होती है उसी को क्लियर करता है, वो पता नहीं लगने देता ब्राउजर को कि आपने क्या ब्राउज करा है। लेकिन दोस्तों आपने क्या क्या सर्फिंग करी ये सब चीज़ें आपके सर्विस प्रोवाइडर के पास जाती है। अगर आपके ऊपर फिशिंग अटैक हो रहा है तो वो भी आपके ऊपर बड़ी आसानी से उसके ऊपर हो जाएगा। दोस्तों ये भी बहुत ही गलत मिथ है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। दोस्तों अगर हम अपनी अगली मिथ की तरफ बढ़े तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि ज़्यादा मेगापिक्सल मतलब ज़्यादा अच्छी कैमरा क्वालिटी और ज़्यादा अच्छा मोबाइल से फोटोज़ खींच सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी पूरी तरीके से गलत है। दोस्तों मेगापिक्सल होते क्या है, दोस्तों पिक्सल जो होते हैं वो फोटो के अंदर टाइनी डॉट्स होते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे जब पिक्सल्स मिलते हैं तब जाके एक अच्छे से फोटो बनती है। तो दोस्तों मेगापिक्सल्स में कुछ इसी टाइप का रहता है फंडा, उसके अंदर भी बहुत सारे जो पिक्सल्स होते हैं उनको मिला के फोटो खींची जाती है। तो दोस्तों मेगापिक्सल का और अच्छी फोटो क्वालिटी आने का बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों ये नहीं होता है क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा जो एप्पल के मोबाइल है उनके अंदर 5 मेगापिक्सल 8 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, लेकिन दोस्तों वो इतनी अच्छी फोटोज देते हैं जो 25 मेगापिक्सल वाला कैमरा भी नहीं दे पाता है। तो दोस्तों ये जो पूरी फोटो की क्वालिटी है वो डिपेंड करती है मोबाइल के हार्डवेयर पर, मोबाइल के सॉफ्टवेयर पर, उनके ऊपर कि कितने अच्छे से वो इमेज को प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये है मेन पीछे का फंडा कि मेगापिक्सल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि मेगापिक्सल्स ही जरूरी चीज नहीं है कोई भी मोबाइल को खरीदने के लिए। दोस्तों अगर हम अपनी अगली मिथ की तरफ बढ़े तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है और जो इंटरनेट है वो दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, जो इंटरनेट है उसका मतलब है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क, और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं जो इंटरनेट है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो बहुत सारे नेटवर्क्स को ग्लोबली कनेक्ट करता है, जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है लोगों के बीच में कि जो वर्ल्ड वाइड वेब है और जो इंटरनेट है वो दोनों एक ही चीज़ है। दोस्तों जो अगली मिथ है वो मैंने बहुत ही ज़्यादा लोगों के थ्रू सुनी है कि जो एप्पल के डिवाइसेस, जो मैक डिवाइसेस है उनके अंदर वायरस कभी नहीं आता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जो कि गलत है, क्योंकि दोस्तों जो मैक डिवाइसेस है या फिर कोई सा भी डिवाइस है सब में वायरस आता है।
लेकिन दोस्तों हमें एप्पल के अंदर वायरस देखने के लिए इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि एप्पल की जो प्रोडक्शन है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, लोग इतना ज़्यादा एप्पल को खरीदते नहीं है कंपेयर टू विंडोज़। अगर आप किसी को भी देखेंगे तो ज़्यादातर लोग विंडोज़ ही यूज़ करते हैं, एप्पल बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं या फिर बहुत कम लोग यूज़ में लेते हैं। इसी की वजह से हमें वहाँ पे विंडोज़ में ज़्यादा वायरस देखने के मिलता है कंपेयर टू एप्पल। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एप्पल में वायरस देखने के लिए नहीं मिलते हैं, दोस्तों वहाँ पे भी देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन जो विंडोज़ है उसमें हमें कंपेयर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ी मिथ है। दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो अपने मोबाइल को बाहर छोड़ देंगे या फिर कार के अंदर छोड़ देंगे तो उनके मोबाइल को कोई डैमेज नहीं होगा, लेकिन दोस्तों ये भी एक बहुत हद तक गलत मिथ है। क्योंकि दोस्तों जो हमारा मोबाइल बनता है वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के लिए बनता है, अगर उसके ऊपर वो टेम्परेचर जाता है तो मोबाइल को वहाँ पर हार्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपने सनलाइट के अंदर बहुत ही देर तक मोबाइल रख दिया और अगर टेम्परेचर ऊपर हो गया तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो वहाँ पर डैमेज हो सकते हैं। दोस्तों ये सेम बात हमें कार के अंदर भी देखने के लिए मिलती है, जब हम कार को धूप में रख देते हैं तो कार कितनी अंदर से गर्म हो जाती है, और अगर मोबाइल का टेम्परेचर से ज़्यादा कार हो गई तो वहाँ पे भी हमें मोबाइल के कंपोनेंट्स को डैमेज होते हुए दिख जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक बहुत ही बड़ी मिथ है जो लोगों को नहीं पता है। दोस्तों अगर हम अपनी अगली मिथ के बारे में बात करें तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनका जो मोबाइल है वो किसी भी चार्जर से अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों ये भी एक हद तक बहुत ही गलत मिथ है, क्योंकि दोस्तों आपका जो मोबाइल का चार्जर है वो आपके मोबाइल से ही कंपैटिबल बनता है। अगर आप उसी मोबाइल को किसी और चार्जर से चार्ज करेंगे तो आपके मोबाइल को वहाँ पे थोड़ा हार्म देखने के लिए मिल सकता है। जैसे कि दोस्तों आपके मोबाइल का जो चार्जर है 1 एम्पियर का है, और अगर आप दोस्तों उसी मोबाइल को 2 एम्पियर के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं मतलब आपको वहाँ पे ज़्यादा करंट सप्लाई देखने के लिए मिल रहा है, और अगर ज़्यादा करंट सप्लाई होगा तो आपके मोबाइल की जो बैटरी वो हीट होगी, और आपके मोबाइल की बैटरी हीट होने की वजह से वहाँ पे आपके मोबाइल को कम बैटरी लाइफ देखने के लिए मिल जाएगी। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है, और दोस्तों मैं आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद उन लोगों को पता चल जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो कुछ टेक मिथ जिसके बारे में लोगों को नहीं पता और लोग इससे ही ज़्यादा गलत अजम्पशन करते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने मेरी कोई प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो साइड से आके मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे जो लोगो दिया है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।